नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.6 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट में आज क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 7 और 8। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 8 करेंगे, देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। तो इसको दोस्तों आप तीन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसमें सीखे थे विस्थापन विधि, और एक आप इसमें सीखे थे विलोपन विधि, और एक सीखे थे क्या दोस्तों, एक आप सीखे थे बज्रगुणन विधि। तो इसको बज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, बिन देर की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। 7th नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्तों। तो 7th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अपान 10 अपान x प्लस वाई प्लस 2 अपान x माइनस वाई इक्वल 4 दिया है। इससे आपको समीकरण बनाना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 10 × 1 अपान x प्लस वाई लिखेंगे प्लस 2 × 1 अपान x माइनस वाई लिखेंगे इक्वल 4 करेंगे। अब इससे 1 अपान x प्लस वाई इक्वल 1 मान लीजिए, और यहाँ पे 1 अपान x माइनस वाई इक्वल आप बी मान लीजिए। 1 अपान x प्लस वाई इक्वल ए मान लिए, 1 अपान x माइनस वाई इक्वल बी मान लिए। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका मान इसे प्रेजेंट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10a, और ये हो जाएगा प्लस 2b इक्वल 4। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा 10a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल 0। इसको और छोटा कर सकते हैं, अगर इसमें से आप 2 से सब में डिवाइड कर दें तो 2 × 10 हो जाएगा 5a, ए बी माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। समीकरण एक आपका बन गया, इसे छोटा किया है 2, इसमें कॉमन लेके इसमें डिवाइड करें तो 0 में डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 1 तो बन गया, समीकरण 2 भी दिया है इसमें 15, ये दिया दोस्तों 15 अपान x प्लस वाई माइनस 5 अपान x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 दिया है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 अपान x प्लस वाई माने हैं a, और 1 अपान x माइनस वाई माने हैं b। तो आप इसमें रख देंगे तो इसको आप सॉल्व कर देंगे 15a माइनस 5b और इक्वल माइनस 2। तो आप इसको जब इधर करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 15a माइनस 5b प्लस 2 इक्वल 0 समीकरण 2। तो ये आपका बन गया समीकरण 1, और ये बन गया आपका समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा बज्रगुणन विधि के द्वारा आप इसको कैसे कर लेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 है दोस्तों 5a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0 समीकरण 1, और यहाँ पे 15a माइनस 5b प्लस 2 इक्वल 0 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हम बज्रगुणन विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ a और b दिया है, तो यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए। यहाँ पे होता है b1 b2, तो b1 क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 में b का गुणांक 1, समीकरण 2 में b का गुणांक होगा b2, तो माइनस 5 कर लीजिए। यहाँ पे a1 a2 करते हैं तो a का गुणांक समीकरण 1 में 5 लिख लीजिए, a का गुणांक समीकरण 2 में क्या है 15, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं c1 c2 करते हैं तो माइनस 2 और प्लस 2, यहाँ पे फिर 1 अपान 1 माइनस 5, इसका क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे a लेंगे और a लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 कर देंगे, माइनस के साथ माइनस 5 × -2 कर देंगे, इतना आ गया क्लियर, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे -2 × 15 कर देंगे, और यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे 2 × 5 कर देंगे इक्वल, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 5 × -5 कर देंगे, और माइनस करेंगे 5 15 × 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a अपान 2 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे b अपान 15 × 2 = 30 माइनस 30, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 10 इक्वल, यहाँ पे a 1 अपान लिखेंगे 55 माइनस 25 और माइनस 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a अपान माइनस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों b अपान माइनस 40, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 अपान 25 35 40 माइनस 40। इतना आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो a है उसको हम किसके इक्वल दिखाएंगे, 1 अपान 40 के इक्वल दिखा देंगे, 1 अपान 8 को माइनस 8 को 1 अपान 40 माइनस 40 के इक्वल दिखाएंगे। तो आप यहाँ से जब दिखाएंगे, चलिए इसको हम इरेजर करते हैं, हम ऊपर दिखाते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे a अपान माइनस 8 इक्वल 1 अपान माइनस 40 करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ है प्लस हो जाएगा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इक्वल ए इक्वल 8 अपान 14 हो जाएगा, 8 × 40 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया a इक्वल 1 अपान 5 मतलब 1 अपान 5।
अब यहाँ पे आप क्या माने थे दोस्तों, यहाँ पे आप माने थे वन प्लस एक्स वाई इक्वल ए माने थे, वन प्लस एक्स वाई इक्वल ए माने थे, तो ये का इसमें रख दीजिए, तो ये का ए की जगह रखेंगे, जब एक्स ए की जगह रखेंगे वन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल क्या रखेंगे वन अपन फाइव, इसको जब सॉल्व करें फाइव इधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव, समीकरण एक इसको फिर बना लीजिए, फिर एक समीकरण एक बन गया। अब यहाँ पे वाई का भी मान निकालेंगे तो एक और समीकरण बनेगा, उससे एक्स वाई का मान निकलेगा, तो यहाँ पे बी अपन माइनस फोर्टीन है और ये वन अपन माइनस फोर्टीन इक्वल करेंगे तो फोर्टीन से फोर्टीन कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल वन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या माने थे दोस्तों, बी इक्वल एक्स माइनस वन माने थे वन अपन, तो वन अपन एक्स माइनस वन इक्वल क्या कर दीजिए वन कर दीजिए, क्या करते हैं वन इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे आपके एक और समीकरण बन गया एक्स माइनस वाई इक्वल और समीकरण दो बन गया। अब इस समीकरण को, इस समीकरण को आप सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई का मान ज्ञात कर लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव दिया है और एक्स माइनस वाई इक्वल क्या दिया है दोस्तों वन दिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस और ये प्लस रह जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स और सिक्स हो जाएगा, यहाँ से आप एक्स इक्वल क्या ज्ञात कर लेंगे थ्री, एक्स इक्वल थ्री क्या होगा टू से जब डिवाइड करेंगे सिक्स में तो थ्री आ जाएगा। एक्स का मान आप समीकरण एक में रख लीजिए, एक्स मान समीकरण एक में रखेंगे तो थ्री प्लस वाई इक्वल फाइव हो जाएगा और यहाँ से वाई इक्वल फाइव माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इक्वल थ्री और वाई इक्वल टू आपका मान आ गया था। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसके द्वारा और अच्छे से आपको क्लियर, जब नेक्स्ट देख लेंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसको देखने के बाद चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आठ नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है वन अपान थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपान थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल थ्री अपान फोर यहाँ पे दिया है, तब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वन अपान थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल ए मान लीजिए, वन अपान थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल बी मान लीजिए, इसमें बी मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल थ्री अपान फोर, फोर का इसमें सब में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा फोर ए प्लस फोर बी इक्वल थ्री इक्वल थ्री, और यहाँ से एक समीकरण ज्ञात कर लीजिए फोर ए प्लस फोर बी माइनस थ्री इक्वल जीरो, समीकरण एक आपको पता चल गया, इतना क्लियर हो गया। वन अपान थ्री एक्स प्लस वन बराबर वाई बराबर ए मान लीजिए और वन अपान थ्री एक्स माइनस वाई बराबर बी मान लीजिए, अब इसको रख के इसको सॉल्व कर लिए, इतना आ गया समीकरण एक। समीकरण सेकेंड जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वन अपान टू अलग ले लीजिए और यहाँ पे वन अपान थ्री एक्स प्लस वाई अलग ले लीजिए, प्लस माइनस है माइनस कर दीजिए, वन अपान टू यहाँ पे अलग ले लीजिए और इंटू कर दीजिए वन अपान थ्री एक्स माइनस वाई अलग ले लीजिए और हो जाएगा माइनस वन अपान एट। अब यहाँ पे क्या रखे थे दोस्तों, वन अपान थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल वन रखे थे, तो यहाँ पे वन अपान टू इंटू ए रख दीजिए माइनस वन अपान टू इंटू बी रख दीजिए और ये हो जाएगा माइनस वन अपान एट। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ए अपान टू माइनस बी अपान टू इक्वल माइनस वन अपान एट हो जाएगा, इसका इसका एलसीएम लेंगे तो टू आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ए माइनस बी अपान टू इक्वल माइनस वन अपान एट, इसका हर टू है इसका हर एट है, तो दोस्तों क्या करते हैं हर को हम डिवाइड कर देते हैं, टू फोर जा एट ए फोर हो जाएगा, ताप ही हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी हुआ, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसको हम क्या करेंगे ए माइनस बी हो गया और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस वन अपान फोर, फोर का इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर ए माइनस फोर बी और यहाँ पे माइनस इक्वल माइनस वन, इतना तो क्लियर हो गया, समीकरण आपका दो बन गया, समीकरण दो अभी नहीं बना लेकिन हाँ समीकरण दो बना लीजिए। अब यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो हम यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो पता चल गया, हम लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण यहाँ पे दो हमको क्या मिला है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो आप देखेंगे समीकरण एक है फोर ए प्लस फोर बी माइनस इक्वल थ्री, समीकरण एक यहाँ पे है और यहाँ पे फोर ए माइनस फोर बी इक्वल माइनस वन, समीकरण दो, इसको हम किसके द्वारा सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें विलोपन विधि के द्वारा इसको लगाते हैं तो क्या होता है, तो विलोपन विधि के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों दोनों समीकरण को इक्वल करते हैं, एक चर किसी एक चर को इक्वल करते हैं, तो इसमें दोनों चर दिख रहा है आपको इक्वल है, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम समीकरण एक माइनस दो कर देंगे, जब समीकरण एक माइनस दो करेंगे तो फोर ए प्लस फोर बी इक्वल थ्री है और ये हो जाएगा फोर ए माइनस फोर बी इक्वल माइनस वन, जब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो हो जाएगा फोर फोर एट बी हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल फोर, तो बी इक्वल आ जाएगा फोर अपान एट, फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो बी इक्वल वन अपान एट टू आ गया, बी इक्वल वन अपान टू आ गया तो बी का मान समीकरण एक में जब आप रख देंगे बी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो फोर ए हो जाएगा प्लस फोर इंटू वन अपान टू इक्वल थ्री हो जाएगा, टू टू जब फोर टू हो जाएगा तो फोर ए प्लस टू इक्वल थ्री, तो फोर ए बराबर थ्री माइनस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर ए बराबर वन और ए बराबर वन अपान फोर, तो
आपको यहाँ से a बराबर 1/4 पता चल गया और b बराबर क्या पता चल गया 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इरेजर करते हैं, अब इसका मान नहीं आया। आप यहाँ पे a बराबर क्या माने थे, तो आप 1/3x + y = a माने थे, तो a की जगह क्या आया, एक जगह 1/4 आया, तो एक की जगह क्या रख दीजिए, इतना रख दीजिए, तो 1/3x + y = 1/4। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + y। 3x + y = 4 समीकरण एक बन गया। फिर अब इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब b की जगह क्या आया, 1/2 आया है, तो आप b की जगह क्या माने थे, आप 1/3x - y = b माने थे, और b की जगह क्या आया था, b की जगह 1/2 आया था, अब इसके जगह b की जगह ये रख दीजिए, तो 1/3x - y = 1/2। 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 = 3x - y। 3x - y = 2 समीकरण 2। अब क्या करें दोस्तों, समीकरण 2 यहाँ से पता चल गया, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम इरेजर कर देते हैं, तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x + y = 4 और ये हो जाएगा 3x - y = 2। माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x = 1 पता चल गया। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए तो 3 + y = 4, तो y = 1, तो x = 1 और y = 1 दोनों का मान सेम आ गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, मैं अपने तरफ पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, अगर फिर भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके जल्द और आप वीडियो मिस ना करें। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।